मधुबनी जिले के घोघड़िया स्टेशन चौक स्थित तत्कालीन विधान पार्षद संजय झा के ऐच्छिक कोष से नवनिर्मित टावर में महाकवि विद्यापति मूर्ति का अनावरण करने के बाद रेलवे परिसर में आयोजित एक महती जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आगत अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा एवं मखाना का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। पेश है फुलपरास से जलेंद्र यादव की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि महाकवि विद्यापति का विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सैकड़ों साल पहले था। महिला, गरीब, दलित और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया था। उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज में फैले कुर्तियों एवं गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए शराबबंदी के बाद दहेज एवं बाल विवाह जैसे प्रथा को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया है। जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को रखा, विद्यापति जी के बारे में बता रहे थे, यहाँ आप जान रहे हैं, बैठे हैं रमन जी भी, बैठे हैं विनोद चौधरी जी भी, ये सब जो है शिक्षा से जुड़े हुए हैं। लेकिन विद्यापति जी आप सब जानते हैं कि आज से कितना वर्ष हो गया। वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज्य मंत्री कपिल देव कामत ने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत दो महत्वपूर्ण निश्चय हर घर नल का जल एवं पक्की नाली गली योजना को क्रियान्वयन का जिम्मा वार्ड सदस्यों को सौंपकर सही मायने में महात्मा गांधी के सत्ता का विकेंद्रीकरण के सपना को पूरा करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक पंचायत को 1 से 1.5 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी गई है। आने वाले समय में गांव और शहर में कोई फर्क नहीं दिखेगा। गौरतलब है कि इस संदर्भ में राज्य योजना परिषद के सदस्य सह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा ने कहा कि हमें गर्व करना चाहिए कि देश में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री होने का खिताब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया है। और मिथिलांचल के प्रति मुख्यमंत्री के सोच का व्याख्यान करते हुए उन्होंने कहा कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय सहित पूर्व में किए गए कई कार्य इसका मिसाल है। तो कहे छे जे भाई बहुत मुश्किल से ई मुख्यमंत्री भेटले थे, ठीक कहे छले, देखन चर्चा करत रहे रमन जी, जब प्रधानमंत्री के तहियो मीटिंग होई छे दिल्ली के पत्रकार से बनी छे, जब जेठाम पूरा देश के मुख्यमंत्री बैसल रहे छे और प्रधानमंत्री बैसल रहे छे तो मीटिंग होई छे, लेकिन और सब जो मुख्यमंत्री बोलते हैं तो लोगों का ध्यान इधर उधर भी रहता है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलते हैं तो सारे लोगों का ध्यान नीतीश कुमार के तरफ रहता है। क्या नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा के बात क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री से 11 करोड़ जनता का चेहरा लोग दिखे जो मुख्यमंत्री। बताते चले कि सभा के अंत में प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मंडल ने प्रखंड जदयू की ओर से इस्माइलपुर, कालीपुर, धनखोईर के बीच भूतही बला नदी पर पुल निर्माण सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। इस मौके पर जिला के विभिन्न प्रखंडों सहित कोसी भूतही क्षेत्र के हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। हमारे प्रखंड में वहीं इस मौके पर प्रखंड जदयू प्रवक्ता सुशील कामत ने कहा कि नीतीश कुमार के 12 वर्षों के शासन काल में कोसी भूतही क्षेत्र का चतुर्दिक विकास हुआ है, लेकिन कोसी भूतही पम्बलान से पीड़ित कालीपुर, धनखोईर, मुजियासी, चेत्रु मंडल टोला के 20,000 की आबादी, इस्लामपुर, कालीपुर के बीच नदी में पुल नहीं रहने से आज भी चचरी पुल के सहारे सफर तय करती है। साथ ही उन्होंने सरकार से भूतही नदी में शीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग की। तो जो इस्लामपुर कालीपुर के बीच जो भूतही पम्बलान नदी पर पुल नहीं है, वर्षों से लोग नदी को तैर करके पार करते हैं, उनकी दुखों को समझे और इस समस्या की ओर निदान के लिए ठोस पहल करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश, जय बिहार। हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में